नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। अपना नाम पहले बताएं। मैं अनीस यादव, बिक्की पासद, प्रतिनिधि वार्ड नंबर 7, पीरी कला। ये कभी चौरा किस लिया है, क्या समस्या है आपके? मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रतिदिन आता हूँ हॉस्पिटल में, किसी को इलाज कराने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वार्ड नंबर 4 के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे डिपार्टमेंट में गया था। मुझे बाथरूम लग गया, तो मैं गया बाथरूम करने, तो वहाँ पर 3-4 बाथरूम है। एक में कार्टून भरा पड़ा है, एक में पॉट टूटा हुआ पसरा हुआ है, एक में पाइप रखी हुई है और एक में ताला बंद है। और मैं जब वहां से निकला, बगल में गया बच्चा, वो है वार्ड, बच्चा वार्ड में एकदम गंदगी, आप जा नहीं सकते। तो मैं देखा कि अरे बाप रे भाई, यहाँ पे हजारों की संख्या मरीज आते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सफाई नहीं। अगर 10 महिलाएं आ रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनको बाथरूम लग गया या लैट्रिन लग गया, वो कहाँ जाएंगी? जब आपके एक बाथरूम में दफ्ती भरा हुआ है, एक में पाइप रख दिए, एक में आप ताला बंद कर दिए, वो औरतें, वो गरीब, वो मरीज कहाँ जाएंगे? जब मैं नीचे आया हाथ धोने के लिए, तो आपने देखा वो जो आरो वाटर लगा हुआ है, पूरा काई लगी हुई है, तमाम गंदगी, पीपी किट, मास्क वहाँ फेंके पड़े हैं। यहाँ पे जो सफाई कर्मी है, या जो सफाई के लिए पैसा आता है, जो विकास के लिए पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? ये संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए कि स्वास्थ्य के जो लाभ लेने यहाँ पर आए, वो 100% खुश होकर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में नाराजगी है। आज मैं खुद अपने हाथ से देखा, अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ तो आम जनता कितना मुसीबत झेलती होगी, आप जा सकते। ये देखिए, ये बाथरूम के ऊपर पाइप रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें कोई बाथरूम करेगा कि ये पाइप सफाई पर क्या ये और बीमारी को बुलावा दिया जा रहा है? इतनी अनियमितताएं यहाँ पर है, आदमी यहाँ सोचने नहीं आता है। देखिए, आप देखिए बाथरूम पर एक कुर्सी रखा हुआ है, कोई भी नियम कानून नहीं, सारी चीजें में धांधली, कोई साफ सफाई नहीं। देखिए, ये देखिए बाथरूम में दफ्ती रखा गया है, आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पेशाब करेंगे कि यहाँ स्टोर रूम बनाया गया है मरीजों के लिए? देखिए, ये टूटे हुए बेसिन, अगर किसी को लैट्रिन लग गया और मरीज को, तो ये कहाँ करेंगे? पूरा टूटा हुआ है, पूरा अंदर रखा हुआ है। ये देखिए स्थिति है, ये देखिए लॉक किए हुए, अगर कोई मरीज आ गया, 10 मरीज यहाँ पे जाना हो, ये देखिए लॉक है, ये ताला।